बाहर कुछ ज़्यादा शोर है, इस वजह से शायद वॉइस की प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं कोशिश करूँगा या आपको जो है क्लैरिटी ठीक ठाक मिले, बट मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, वो तो वॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलिए, जो आज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको करा दिया है, ठीक है, इससे पहले का मैंने आपको करा दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये मेरी पहली वीडियो में है। आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो वो मैंने पार्ट वन बनाया है, और अब उसका पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका चैप्टर आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा इसमें, तो उस टॉपिक में आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी शामिल है। तो हम जो है आज हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो बचे टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं दिसंबर के, तो उसमें थोड़ा सा कवरअप हो जाए, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर यानी हिंदी में जिसको कहते हैं हम ढांचा, यानी संगठन ढांचा एक तरीके से। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी मीनिंग इस तरीके से कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशन जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल होंगे, और उस लेवल में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अथॉरिटी जो है वो भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जिसमें मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म, यानी हमने जब प्लानिंग किया था तो प्लानिंग में हमने जो जो सोचा था उस टास्क को करने के लिए, उस प्लान को इस तरीके से हमें वर्क में लाना है, उसके बारे में हम एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं जिसको हम मैनेजरल, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, ये चीज़ें एक बार देख लेते हैं। इसमें आपकी यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके क्या कितने टाइप्स के होते हैं, ये रहा। एक जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो फंक्शनल पे तैयार होता है, और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम एक एक करके बात करेंगे कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या लिखा है कि व्हेन द एक्टिविटी और जॉब आर ग्रुप्ड कीप इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट्स कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मतलब फंक्शनल जॉब का मतलब यहाँ पर ये यह है, हम एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना। ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि सपोज करिए, एक अगर मैंने एक बना दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका मतलब है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 से 10 लोग होंगे जो उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये ना नीचे फॉर एग्जांपल में भी लिखा है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू स्टोर डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसी प्रोडक्शन में हम जो है और भी डिपार्टमेंट बना देंगे। तो मतलब एक हमने क्या सीखा है इसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम लोगों के काम के हिसाब से जो है एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रोडक्शन वाले जो लोग होंगे उनका एक मैंने ग्रुप बना दिया, वो प्रोडक्शन देखेंगे। जो सेल अगर डिपार्टमेंट वाला है, इसका मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप बनाया है जिस जो है सेल को देखेंगे कि कितना सेल हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर आप ही बताओ, अगर मैं आपको एक फंक्शन यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ, इसका मतलब है आपको प्रोडक्शन करना आता है, और आप 3-4 सालों से उस प्रोडक्शन को कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसमें परफेक्ट हो गए हो कि नहीं हो गए हो, है ना। तो वही कह रहा है इसके क्या एडवांटेज है। आप देख सकते हो कि जब हम कोई एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी अगर कोई लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है और वो प्रोडक्शन का टास्क संभाल रखा है या वो प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो उनको अपने प्रोडक्शन में बहुत ही परफेक्ट काम आता है, ठीक है ना। अब एक टीचर है, अगर वो बिजनेस पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है 4 साल से सिर्फ वो बिजनेस पढ़ा रहा है, तो समझ जाओगे कि आप जो है वो बिजनेस में इतना माहिर हो गया है कि उसे अब बुक वगैरह की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही लेक्चर दे देता है। तो ये क्या है, इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या एडवांटेज हो सकता है, ये कुछ एडवांटेज है आप इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। तो
एक एक करके आप इसमें, आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, पूरा सिंपल सा लिखा हुआ है कि हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने बताया ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, कि हम उस काम में माहिर हो जाते हैं जिनमें हमें जो है काम करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। क्या कह रहा है कि हम जो है हर एक का सुपरविजन या बेटर कंट्रोल हो जाता है उस ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। कि वन डिपार्टमेंट में हम, मेरे पास वही लोग हों जो उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी हम किसी को कोई दूसरा काम नहीं देंगे, हम उसी से रिलेटेड काम देंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें हम, क्या नाम है आपका जो है, बेटर कंट्रोल रहता है और अच्छे से आप उसका सुपरविजन कर सकते हैं, यानी उसका अच्छे से निरीक्षण कर सकते हैं। आप जो है एफिशिएंसी, यानी आप किसी की क्षमता को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी एक काम को बार बार करते हैं तो लोग उसमें जो है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसकी इंक्रीज, जो लिखा ना यहाँ पे इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इससे क्या होता है आपकी कॉस्ट जो होती है मिनिमाइज हो जाती है और आपकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद है चौथा पॉइंट कह रहा है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी आप किसी काम को दो बार नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एक ही काम मिला है, आप उसी को ही अच्छे से करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके एडवांटेज पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेज में बात करें तो इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई आप उसमें, एक तो ना फ्लेक्सिबल मतलब आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आप इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो। जो मुझे बताया गया है ऊपर से, ऑर्डर जो दिया गया है मैनेजर ने, मैं मुझे वही काम करना है, मैं अपनी तरफ से कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं 19-20 की फ़र्क आ जाती है कोऑर्डिनेशन में, कि लोग जो है सही से कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इसमें ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम किस पे ब्लेम करें, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ कहें कि द सेल डिपार्टमेंट मे बी ब्लेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर पुअर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन आउटपुट मे बी पास ब्लेम टू परचेज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सीधी सी बात है, हम ब्लेम जो है, हम दोष जो है पास करते रहते हैं कि नहीं जी ये सेल वाले की गलती है, नहीं सेल वाला बोलेगा नहीं जी ये तो प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि नहीं जी हमारे को जो रॉ मटेरियल मिला वो तो सस्ता घटिया था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हमने इस तरीके से, तो आप उस इंसान को पकड़े जिसने रॉ मटेरियल घटिया लाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफिकल्ट टू अकाउंटेबिलिटी, यानी हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते कि इसके लिए ये दोष है, ठीक है ना, दोषी हम इसमें करार नहीं दे सकते। अब ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक किस तरीके से डायरेक्ट करता है, इसकी तीन पार्ट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज। तो अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो एक डायरेक्टर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या मैनेज करता है, प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारा काम देखने का काम किसका हो जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का। और मार्केटिंग में क्या देखेगा वो डायरेक्टर, मार्केटिंग में ये देखेगा एडवर्टाइजमेंट कैसा है, सेल क्या है, कस्टमर की सर्विस क्या है, और रिसर्च क्या किया है आपने मार्केट में जाके। फिर फाइनेंस में क्या चेक करेगा वो, फाइनेंस में ये चले चेक करेगा कि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यानी आपने कहाँ से फंड वगैरह जनरेट किया है, फाइनेंस प्लानिंग कहाँ कैसे कर रखी है। और परचेजिंग में ये देखेगा कि आपने रॉ मटेरियल कैसे परचेज किया है, उसकी आपने क्या रिकॉर्ड की है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। तो ये है आपका एक तरीके से फंक्शनल, यानी ये सारे काम हैं जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर को करने पड़ेंगे हर एक डिपार्टमेंट के। ये है डिविजनल, डिविजनल का मतलब होता है काम को बांट देना, यानी व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब कोई, एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टाइप की जो है प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे इसमें हम जैसे बात करें कोई शॉप बना रहा, फिर टेक्सटाइल बना रहा, फिर मेडिसिन बना रहा, कॉस्मेटिक बना रहा, ये सारा एक ही कंपनी कर रहा है, तो उसमें हम जो है काम को डिविजनल कर देते हैं, ठीक है। कैसे काम को डिविजनल करते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। आप चाहो अगर इसकी डिफरेंस पता करना चाहो तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे एक कंपनी जो है टेक्सटाइल भी बना रही है, टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम है, मेडिसिन से रिलेटेड काम है, और शॉप से रिलेटेड, इसका मतलब है वो कंपनी एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के सामान को बनाता है।
तो डिफरेंट टाइप के सामान बना रहा है, तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या कर लिया, टेक्सटाइल का एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, जिसमें उसमें ये देखा जाएगा कि प्रोडक्शन कहाँ क्या करना है, परचेज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसी होगी, वहाँ का फाइनेंस कैसे होगा। ऐसे ही सेम कॉस्मेटिक के साथ भी करना है, इसका भी हम अलग डिपार्टमेंट बना लेंगे, इसमें भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस देखेंगे, मेडिसिन का भी देखेंगे। तो ये हमने अलग क्यों बना दिया, क्योंकि अगर हमने इसको मिक्सअप कर दिया कि हमने इन चारों का एक ही प्रोडक्शन रखा या हमने इन चारों का एक ही परचेज रखा, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी सामान के रॉ मटेरियल में, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टर होता है इसका अलग अलग डिपार्टमेंट बना देखे, अगर हम चार टाइप के सामान बना रहे हैं तो उसको जो है चार टाइप्स के डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दें, फिर उन्हीं का जो है अंदर सब डिवाइड कर देते हैं, उसी को कहते हैं डिविजनल, यानी आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और डिविजन कर रहे हो। तो ये था आपका डिविजनल से रिलेटेड, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इसमें और क्या आपको पढ़ना है, जब आप ये डिविजनल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लोगे, फंक्शनल वगैरह पढ़ लोगे, तो उसके बाद अब आ जाता है आपका डेलीगेशन, ठीक है। तो ये देखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल आपके में नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन हाँ डेलीगेशन पढ़ना है। तो डेलीगेशन देखिए कहाँ है, डेलीगेशन डेलीगेशन, यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को देख सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में देखो कह रहा है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइंड लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, तो ही डिवाइड द वर्क अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिम एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। क्या होता है कि आपको पता ही है कि एक इंसान बहुत सारे काम तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करता वो, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान इतने सारे काम तो खुद नहीं करता, तो क्या करता है उस काम को डिफरेंट लोगों में बांट देता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के बिहा पे, ऐसे ही नहीं कि किसी को दे देगा, उनकी क्वालिफिकेशन के बिहा पे, ठीक है ना। तो मैनेजर बींग अ शेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद हिज सॉरी सबॉर्डिनेट, यानी उनके जो अधीन काम करने वाले लोग हैं उनमें जो है कुछ काम को शेयर कर देता है, इसी को कहते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब एक मैनेजर अपने काम को बांट दे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा हो कि यहाँ पर लिखा है कि सिंपल वर्ड डेलीगेशन रेफर टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ठीक है ना, कि वो जो है अपना काम ट्रांसफर कर रहा है अपने से नीचे के लोगों को, सबॉर्डिनेट, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, डेलीगेशन में तीन एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप समझते हो, ये वर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि एक तरीके से जवाबदेही बनना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन द वर्क असाइंड टू ए इंडिविजुअल, इट इंक्लूड ऑल द फिजिकली मेंटली एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजिशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है जिस काम को उसको मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस काम को, नहीं वो उस पर पर्टिकुलरली काम करेगा, ठीक है ना, परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजिशन, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हो गया कि आपको अगर मैंने कोई भी काम दिया हुआ है उसको आप किस तरीके से कर रहे हो, उसी में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल करते हैं, ठीक है। दूसरा काम होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन द पावर टू टेक अ डिसीजन। देखो अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अगर आपको जवाबदेही बना रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी भी, आपको कुछ पावर भी देना पड़ेगा, है ना, कि देखो अगर मैं आपको कोई काम दे रहा हूँ तो बदले में थोड़ा सा तो पावर देना पड़ेगा, नहीं है। जैसे ऐसे भी आप समझ लो कि एक मैनेजर ने अपने नीचे के जो लोग थे उसको बुलाया और उसे कहा कि देख भाई तुझे 5 लोगों को लेकर
इस काम को तैयार करना है, ठीक है। तो ये तो उसको काम दे दिया, यानी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हाँ जी इसको एक काम दिया, लेकिन साथ साथ उसको ये पावर भी दिया है कि वो डिसीजन ले सकता है खुद, जो भी डिसीजन उसको उससे रिलेटेड लेना होगा वो ले सकता है, ठीक है ना। अथॉरिटी मतलब उसको थोड़ी सी पावर दी गई है, ठीक है ना, कि वो अपने तरीके से सोच के या अगर उसे कोई चीज़ की तकलीफ है तो वो उसी समय उस चीज़ को खुद ही हैंडल कर सकता है, इतनी उसके पास पावर है। ये नहीं कहेगा कोई कि भाई तूने ये काम करने से पहले मेरे से पूछा क्यों नहीं, क्योंकि उस समय उसको लगा कि भाई ये चीज़ सही है तो इसलिए उसने किया। या अगर किसी को जॉब से निकालना हो तो उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को काम मिला है और अगर वो सामने वाला बंदा उस काम को कर नहीं रहा तो उसको इतनी पावर दे दो कि उसे जॉब से निकाले, ठीक है ना, ताकि डर बना रहे लोगों में। तो ये भी थोड़ी सी अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना। तो ये समझ में आना कि अगर मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी काम को करने की, तो वो बेसिकली उसको थोड़ा पावर भी दूंगा, और जब मैं उसे पावर दे देता हूँ तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब उसमें ये हो गया, अथॉरिटी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऊपर चला गया, अकाउंटेबिलिटी एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ गलती हुई है तो फिर आपको उसको उसका ब्लेम आप किसी पे थोप नहीं सकते, आपको उस ब्लेम को खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको काम दिया साथ साथ आपको पावर भी दी कि अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो आप खुद से ले सकते हो। उसके बाद भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर आपको अपने वो ब्लेम जो है लेना पड़ेगा, आप किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। अकाउंटेबिलिटी हमने मैं ऊपर भी पढ़ाया था कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो है ब्लेम को एक से दूसरे पे नहीं कर सकते, क्योंकि उस काम को आपको दिया है तो मैंने आपको पावर भी दी थी, ठीक है ना। तो पावर भी दी थी तो ओबियसली आप उसके रिगार्डिंग जो है आप ब्लेम ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ पे के एक प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ लिखा है ना, इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ गिवन द टारगेट टू प्रोड्यूसिंग 20 मशीन इन अ 1 month टाइम, ठीक है ना, 1 महीने में उसे 20 मशीन को प्रोडक्शन करना है, ही डिवाइडेड टारगेट बिटवीन द फोर मेन वर्किंग अंडर हिम, ठीक है ना, यानी 4 लोगों का एक टीम बनाया जो एक 5 मशीन बनाएंगे 4 लोग मिलके। ओके, ये तो उसको जो है इसने इस तरीके से सेट कर दिया। उसके बाद कह रहा है बी प्रोड्यूस ईच फॉरमैन, बट वन फॉरमैन कुड नॉट अचीव द टारगेट एंड द एंड ऑफ द मंथ ओनली 17 मशीन आर मैन्युफैक्चर, द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन टारगेट ऑफ अकाउंट। बिल्कुल, आपको अगर 20 मशीन बनाने का टारगेट दिया गया था और आपने अच्छे से उसको किया भी, आपने 4 लोगों की टीम बनाई और कहा कि आप जो है 5 मशीन यानी 4 लोग मिलकर 5 मशीन बना सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने एक ग्रुप बनाया, लेकिन उसमें एक ग्रुप ऐसा था जिसमें एक फोरमैन ने जो है वो जो है नहीं बना पाया, जिसके वजह से उस महीने सिर्फ 17 मशीन ही बना। तो देन प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन टारगेट, तो इसका मतलब है वो उसके रिगार्डिंग जो है ब्लेम अपने ऊपर लेगा, ठीक है ना, कि उसने उस टारगेट को पूरा नहीं किया जो उसको टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है ना। तो इसे ही कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से हम किसी को काम दे रहे हैं, एक इंसान देख रहे हो वो पिक में कि आप जो है काम दे रहे हो, तो ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप चाहो तो इसमें से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है ना, सिर्फ आपको पढ़ना है, मीनिंग मैंने तरीका आपको बता दिया, तो आप एक बार जब इसे पढ़ोगे तो ओबियसली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। तो ये डेलीगेशन के 3 एलिमेंट थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस आपके सिलेबस में है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंस भी है। तो डेलीगेशन के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है ये देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि अगर हम काम को बांट देते हैं तो आपका जो मैनेजमेंट है वो एक इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना, तो आप जो है उस काम को अच्छे से कर पाते हो, ये एक फ़ायदा होता है डेलीगेशन का। दूसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्योंकि आप अपने काम को एम्प्लॉय में बांट रहे हो और उसको जो है एक तरीके से अथॉरिटी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो एम्प्लॉय के अंदर जो है डेवलपमेंट आएगा। अब वो चाहे डेवलपमेंट सोचने का हो या उस टास्क को कंप्लीट कर लिया उसके रिगार्डिंग,
और या कुछ भी इसी चीज़ें सोच सकता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो इससे कहते हैं इम्प्लॉय डेवलपमेंट होना, क्योंकि आप सारा काम तो खुद नहीं कर रहे हो, आप इम्प्लॉय से करा रहे हो तो इम्प्लॉय के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। जैसे हम स्कूल में अगर टीचर ने हमने कहा हम टीचर ने अगर उस पर क्या बोलते हैं कि मॉनिटर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है कि भाई आपका काम है इन सब से काम कराना, तो मतलब वो मॉनिटर इतना लायक तो बन ही जाएगा ना कि वो जो क्लास में बच्चे उनसे जो काम उन्होंने दिया है उसके रिगार्डिंग काम करवा सके। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन भी मिलता है कि देखो हमारे जो बड़े साहब हैं उन्होंने हम पे कितना भरोसा किया और हमें ये जो है ये काम दिया, और हम भी जो है उनको निराश नहीं करेंगे, हम जो है उनके जो उन्होंने टास्क दिया उस पर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपको फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट निभाता है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। आपका कोऑर्डिनेशन भी जो है अच्छा चलेगा, एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर पे जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इससे इंपॉर्टेंस आप इसमें एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है और आप इसमें अच्छे से इसको समझ जाओगे अगर आप एक बार रीड आउट करोगे। क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बता दी है जिसका क्या मतलब होता है, और आप उसी के बिहाफ पे आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो ये डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसमें एक टॉपिक और है जो हमें डेलीगेशन के बाद पढ़ना हो, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं अपने अथॉरिटी या अपने पावर को बांट रहा हूँ तीनों लेवल पे, ठीक है ना। जो जितने भी लेवल थे हमारे, ऑल लेवल्स, ठीक है ना, चाहे वो हायर लेवल हो, मिडिल लेवल हो एंड लोअर लेवल हो, तीनों पे जो है मैं अथॉरिटी, देखो यहाँ पे मैं वर्क नहीं दे रहा, अथॉरिटी पावर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्क है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि मैं पावर को जो है टुकड़ों में बांट के तीनों लेवल को बराबर दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको कहते हैं, जैसे अभी आप देखते होंगे कि इंडिया में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब है सेंटर का एक अपना पावर है, एक अपना दायरा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी एक अपना पावर है। यानी एक ये नहीं है कि पूरी एक ही सरकार चला रही है स्टेट और सेंटर को, ऐसा नहीं है। आप जीतोगे, आपकी सरकार होगी, तो आप उसको उस तरीके से चलाओगे। तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर की जो पावर है वो बट जाती है तीनों लेवल में, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ कह रहा है, देखकर अगर आप फीचर्स देखो तो कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मच मोर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू लोअर लेवल, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो है हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना एक ये डायग्राम बना हुआ है कि डेलीगेशन कैसे हम कहेंगे। देखो डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपना कुछ काम किसको दे देगा, प्रोडक्शन हेड को दे देगा, फिर प्रोडक्शन हेड जो है उससे प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ काम दे देगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जो इतने काम पड़े हैं उसमें से थोड़ा काम सुपरवाइज़र को दे देगा, सुपरवाइज़र किससे काम करवाएगा, फोरमैन से, और फोरमैन जो है मशीन ऑपरेटर से। तो ये जो काम दे रहे हैं हम यहाँ पर, और यही जो पावर है, देख रहे हो पावर, डायरेक्टर से डायरेक्ट किस पे, मशीन ऑपरेटर के पास भी कुछ ना कुछ गया है, उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेलीगेशन है, देख रहे हो डेलीगेशन, और यहाँ डायरेक्टर से लेके लोअर लेवल पे आ गया है। तो ये कह रहा है डिसेंट्रलाइज इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जब हम डेलीगेशन को एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, ठीक है ना। मल्टीपल अथॉरिटी विद द टू वेयर द डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी द मल्टीपल बाय मैनी, ठीक है ना। डेलीगेशन में हम जो है सिर्फ दो को लेते हैं, जैसे डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड हो गया, दो के आ गया, फिर इससे इस दो पे आ गया। लेकिन जो डायरेक्टर से मशीन ऑपरेटर के बीच में जो पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो चार लोग आ रहे हैं ना, इन्हीं के बीच में जो हमने जो किया है इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर जो है बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन डेलीगेशन में सिर्फ ये दो लोगों के बीच में होता है। तो डेलीगेशन आप समझ में आ गया होगा आपको क्या है, सॉरी डेलीगेशन एंड आपका सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है।
अब आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कह रहा है कि डेवलप इनिशिएट अमंग द सबॉर्डिनेट एंड पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट अ मिडल एंड लोअर लेवल। कि हम जिसमें क्या करते हैं, इसमें डेवलप होता है सबॉर्डिनेट अमंग, और इसमें जो है अथॉरिटी यानी पावर जो है हम मिडल से मिडल एंड लोअर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नॉट हाई लेवल से हम मिडल एंड लोअर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा डेवलप ये हो जाता है कि जो मैनेजरल है टैलेंट फॉर फ्यूचर, हमें जो है इससे हमने जब पावर दे दिया, काम दे दिया, तो इससे ये हो जाए कि हमें नेक्स्ट जो मैनेजर मिलेगा फ्यूचर में तो वो पता चल जाता है, क्योंकि जब हमने किसी को कोई काम दिया और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हम समझ जाते हैं कि यही बंदा जो है फ्यूचर में अगला मैनेजर बनेगा या मेरी जगह ये काम को संभालेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सबको मैंने पावर दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें हम अथॉरिटी की बात करते हैं, तो आप फटाफट जो है डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको फिर ऊपर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि पावर को ट्रांसफर करना। मैंने आपको कुछ पावर दे दिया, आपसे मुझे सिर्फ काम चाहिए, आप उस पर जैसे काम करवाना चाहते हो आप काम करवाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सामने वाले को काम देना है, तो आप उससे बार बार पूछोगे नहीं, सर ये भी करें क्या, ये भी करें, कुछ नहीं आपको उससे पूछना, जो आपको करना है आप खुद ही करोगे उससे, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, आप जो है फटाफट किसी भी काम करने के लिए डिसीजन ले सकते हो। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल के मैनेजमेंट वालों को थोड़ी सी रिलीफ, राहत मिल जाती है कि वो सारा काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम को जो है बांट दे रहे हैं नीचे के लोगों को, ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्रोथ आपका बढ़ता है, बेटर कंट्रोल रहता है। तो ये कुछ कंक्लूजन आपके यहाँ निकला है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये कुछ थे जो मैंने आपको बताए हैं, डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि तो अगर मैंने इसको प्रॉपर, तो ये है कुछ थोड़े बहुत मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर मैं इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँ ना, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, और इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे इस वीडियो में। तो मैं चाहता था आपसे थोड़ा सा कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करना, जो कि मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यही कुछ टॉपिक थे जिसको मुझे कराना था, ठीक है, ये क्विक रिकैप है फटाफट। तो खैर आप ये क्विक रिवीजन तभी कर सकते हो जब आपको इससे पहले की सारी चीज़ें पता हो। तो मैं एक बार दोबारा से उन सभी चीज़ों को दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ही पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक वगैरह ढंग से अवेलेबल ना हो तो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, क्योंकि वी हैव अ टाइम 2 मिनट, सो मैं आपको शुरू से वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो हम कर रहे थे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंस पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हो। फिर इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहली वाली वीडियो में बना रखा है, बहुत ही क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के वीडियो को। उसके बाद ये मैंने प्रोसेस कराने के बाद, उसके बाद अगला टॉपिक हमने इसमें पढ़ा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे, ये ना लास्ट में ना आप इम्पोर्टेंस को ना लिख लिया करो इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे। इसमें तो एक्सप्लेनेशन दी होती है, आप इसको चाहो अपनी नोटबुक में आप ऐसे ही उतार सकते हो। जब हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो आपको थोड़ा बहुत, फिर मैंने स्ट्रक्चर के बारे में मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में ये लिखा हुआ है। और बात करें अगर डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये है, आप इसके स्क्रीनशॉट आप इसके एडवांटेज का लिख सकते हो,
अपनी कॉपी में। फिर हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में पढ़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर्मल इनफॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा अपने को उसमें नहीं डालना है। फिर डेलीगेशन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि ये रहा डेलीगेशन अथॉरिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो पॉज करके अभी आप देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ये इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है जो कि आपके सिलेबस में है। फिर सेंट्रलाइजेशन हमें नहीं पढ़ना, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये है, आप ये पढ़ लो। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने कराए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर।